أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال علي ابن الحسين عليه الصلاة والسلام يا أبتا الأسنى على الحق صلوات بحضر محمد و آل معزز قابل قدر اور لائق احترام سامعین, ایک جواں سال مرگ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. جیسا کہ آپ حضرات نے تعزیتی کلمات میں ابتدائی ذاکرین سے جو احترام کی صورت آپ کے درمیان تھے سماعت کی, ارادے کے اعتبار سے میں نے بھی تعمیل حکم کے طور پر تھوڑا ذکر شہزادہ علی اکبر کا کروں, جبکہ یہ بات صحیح ہے کہ مصائب میں ہمارے یہاں حضرت علی اکبر کے ذکر ہوتے ہیں. اور میرے حافظے میں ہے کہ میں اسی علاقے میں کہیں آیا تھا اس سال کے ابتدا میں, تو اس میں چند اقتباسات شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے گزارش کی تھی, اور وہ معزز علماء کرام قابل احترام شعراء کرام اور عزت مآب مومنین ہمارے درمیان ہیں. سوال صرف ایک تھا جس پر یہ پورا خیمہ تیار کیا گیا کہ کربلا کی جو زمین امام حسین نے خریدی اس کا بینامہ علی اکبر کے نام بنایا. امام صبح قیامت تک کی ہر حکمت سے واقف ہے, مگر ذرا سا عقلی توجیہات میں الجھن ہو جاتی ہے کہ امام ہے جس کو صبح قیامت تک کا علم ہے, اور اگر ہم مان لیں کہ ان کو علم آگے کا نہیں ہے تو پھر امامت رخصت ہو جائے گی. جو دو مہینے کے بعد کی بات نہ بتائے گا وہ صبح قیامت تک ہدایت کیا کرے گا. عام طور سے ان جنرل جو رجسٹریشن اور زمین کا بینامہ بنتا ہے, اگر والد بزرگوار نے کوئی زمین خریدی تو اگر اپنے نام لے لی بینامہ اپنے نام بنوایا تو ٹھیک ہے, وہ تو بات ایک ہو گئی, اور اگر اولاد کے نام لیا تو دستور جو ہمارے کلچر کا ہے ہماری تہذیب کا ہے کہ اس میں بڑے بیٹے کو ترجیح دی جاتی ہے, اور برکت یہ ہے کہ بڑا بیٹا معصوم بھی ہے امام بھی ہے شادی شدہ بھی ہے صاحب اولاد بھی ہے اور 35 سال تک جینے والا بھی ہے. اصل یہ نقطہ ہے جو آپ حضرات تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. علم حسین میں یہ تھا کہ علی ابن الحسین زین العابدین کی مدت حیات کربلا کے بعد کم و بیش 35 سال ہے,
उसके बाद एकाएक पूरी तारीख के आईन को एक झटका दे दिया इमाम हुसैन ने कि बैनामे में अली अकबर का नाम लिखवाया, जबकि अली अकबर की मुद्दत हयात बस और बस 8 दिन है। और इमाम हुसैन ने नाम अली अकबर का दिलवाया, जबकि 8 दिन तक ये जिंदा रहेगा, इल्म इमाम में है, महजर शहादत में अली अकबर का नाम है। फिर नस्ल में शादी ही नहीं हुई है तो नस्ल का क्या सवाल है, मुतवज्जे है ना आप। अच्छा, अगर प्यार दुलार की बात कही जाएगी तो फिर छोटा बेटा होना चाहिए। इस पर एक गुफ्तगू हमारे और आपके दरमियान इंशाल्लाह होगी, मगर वो टुकड़ा हजरत अली अकबर का जो मैंने आप हजरात की इब्तदाई में पढ़ा, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सफर में है करबला की तरफ। इसके एक पस मंजर सुन लीजिए और गुफ्तगू शुरू। कि घोड़े पर सवार चलते चलते एक टुक आंख लग गई इमाम हुसैन की, ख्वाब में देखा कि मैं मौत की तरफ जा रहा हूं और मौत हमारा ताकुब कर रही है। या एक मौर्रिख के एतबार से कि हम खून के दरिया में हैं। एकाएक आंख खुल गई, बेदार तो थे ही, जबान पर यह कलेमा जारी हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सलावात पढ़ते मोहम्मद और आले मोहम्मद। देखिए, एक तो हम जैसे कम पढ़े लिखे और जाहिल के लिए पढ़ना दुश्वार हो, उस पर उलमा की एक लाइन लग जाए तो जरा वो खिताबत के लिए राह पुरखार हो जाता है कि संभल के कदम रखना पड़ता है। मगर बहरहाल हम जब मिंबर ही पे आते हैं तो इतना संभल के आते हैं कि इससे निचने गिरने के बाद बहुत बड़ी खाई है जिससे आदमी उठ नहीं सकता। एक एक लफ्ज की जिम्मेदारी और हर लफ्ज एहतियात के साथ। अब खालिक़े नहजुल बलागा का पोता यह समझता था कि इन्ना लिल्ला पढ़ने का यह महल नहीं है, सफर है, जा रहे हैं। दाएं साइड में शहजादे अली अकबर थे, उन्होंने कहा बाबा आपने ये इन्ना लिल्ला पढ़ा, इसका कोई महल तो नहीं था। तो इमाम हुसैन ने अपना ख्वाब बयान किया। यहां पर लफ्जों को बदलना चाहूंगा इसलिए कि खतीबाना मिजाज रखने वाले मोमिनीन भी बैठे हैं। इमाम हुसैन ने अब अली अकबर का जवाब दिया। इमाम हुसैन ने अली अकबर का जवाब नहीं दिया, इब्राहिम ने इस्माइल को ख्वाब सुनाया। इब्राहिम ने इस्माइल से अपना ख्वाब पेश किया, बेटा मैं ये देख रहा हूं कि खून के दरिया की तरफ रवा हूं और मौत हमारा ताकुब कर रही है, पीछे पीछे है। अब अली अकबर कहते हैं या बता लसना अल हक, बाबा क्या हम हक पे नहीं हैं? इमाम हुसैन ने कहा वल्लाह हम हक पे हैं, और बेटा हम हक पर न होंगे तो फिर कौन हक पर होगा? तो एक मरतबा फिर अली वाला जुमला दोहराया, लायोबाली बिल मौत, तो जब हम हक पे हैं तो फिर मौत से क्या डरना। याद कीजिए पहले अली ने यही कहा था, या मौत हम पर आ पड़े या हम मौत पर आ पड़े, है ना। तवज्जो चाह रहा हूं मेरे भाई, आपकी समात बेपनाह बेदार है, बाबा फिर मौत से क्या डरना, उसी को मैंने मौजू बनाया है। इसलिए कि अली अकबर तहरीक करबला का एक मुंतखब बैनर, एक लाजवाब पोस्टर बन के गए थे। यह नहीं था कि बाप जा रहा था तो बेटा भी चला गया। तवज्जो चाह रहा हूं मेरे भाई, ये जरा खुसूसी तवज्जो का ताली। मैंने क्या कहा, तहरीक करबला का बैनर पोस्टर नहीं, ऐसा लगा कि आप हजरात को यह जुमला अच्छा नहीं लगा तो अब मैं जरा इसकी वजाहत कर दूं फिर बात आगे बढ़ेगी।
अगर ईरान की कोई तहरीक उठे, एजिटेशन हो, तो जुलूस में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर होगी या आयतुल्ला खुमैनी की? जरा सा बताइएगा आप, हमारा अंदाज़े खिताबत तो यही है, वाकिफ किसकी तस्वीर होगी? इमाम खुमैनी की तस्वीर हो गई, बात समझ गए कि मामला शियत का है, ईरान का है या कुछ है। तहफ्फुज़े मर्जियत के लिए हमने निकाली जुलूस, लोग आ गए सड़क पर, उसमें गांधी जी की तस्वीर एक तरफ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी की फोटो एक तरफ, तो आप पहले ही मुस्कुराने लगे, कह लिए क्या मतलब? तहफ्फुज़े मर्जियत से इन भारतीय नेताओं का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपको तस्वीर लगानी है तो आगाए बशीर नजफी की लगाइए, आगातुल्ला सिस्तानी की लगाइए, आगाए खामनाई की लगाइए, आगाए खुई की लगाइए, वगैरह वगैरह वगैरह। इसलिए कि तस्वीर लगाई जाती है कि वो तहरीक की हदों को बता दे। भारत में कोई आंदोलन अगर चलाया जाएगा तो फिर यहां उलमाए कराम की तस्वीर नहीं होगी, यहां महात्मा गांधी की तस्वीर होगी, इसलिए कि वो हमारे फादर ऑफ नेशन है, कायद है हिंदुस्तान के, तो वो तस्वीर होगी। तो जिसकी तहरीक होती है, तस्वीर उसी का पता देता है। करबला बेनाए ला इलाह इल्लल्लाह का किला है, तवज्जो चाह रहा हूं मेरे भाई। तो असलन ये तहरीक इस्लाम है, इस्लाम के तहरीक के बानी का नाम है मोहम्मद। तो जब तक मोहम्मद की तस्वीर नहीं होगी बैनर में, हाय हाय मेरे भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब तक मोहम्मद की तस्वीर नहीं होगी पता ना चल पाएगा तहरीक किसकी है। अली अकबर तहरीक करबला का बैनर बन के गए थे, बाप और बेटे के रिश्ते की वजह से नहीं गए थे, सलावात पर मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अरे मेरे सरकार मुतवज्जे हैं आप, ये मंजिल देख लें। चले देखिए, असलन बात यह है कि मासूम इमाम की हिकमत को समझना यही एक कारनामा है, वरना सीधे सीधे दो और दो चार आज तक पूरी दुनिया न समझ पाई कि हम थोड़ी सी मुनाजात और दुआ के लिए बड़ी बड़ी मजलिस छोड़ देते हैं, है ना भाई। और अगर दोपहर में मजलिस हो रही है तो आप घड़ी मिला लीजिए अजान के टाइम से, है ना। हम एक लम्हा भी, अभी मैं आप ही के इलाके में कहीं मजलिस पढ़ रहा था, बिल्कुल आखिरी जुमले में मसाहिब के था, आखिरी 22 सेकंड पहले उन्होंने अजान दे दिया, इसलिए कि वो अल्लाह की इबादत में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, पक्के मुसलमान है, सही बात है, हम कॉमेंट नहीं कर सकते किसी पर, कमेंट करना हमारा मिजाज भी नहीं है, पक्के मुसलमान है। लेकिन जो इस्लाम के दिल की धड़कन है उसका नाम है हुसैन। पूरी दुनिया हज को आ रही है, हुसैन उमरा से तब्दील करके जा रहे हैं। जो समझ लेगा उसे मारफत इमामत मिल जाएगी, जो नहीं समझेगा वो रजी अल्लाह के जंजाल में उलझा रहेगा पूरी जिंदगी। मौला पूरी दुनिया हज को आ रही है, आप हज छोड़ के जा रहे हैं, हुसैन आवाज देंगे हिकमत समझो, अगर आज मैंने हज कर लिया अब सुबह कयामत तक मुसलमान हज न कर पाएंगे, आज एक हज का छोड़ना कयामत तक हज को जारी रखने का सलीका है। आपने ये है हिकमत, अब देखिए
आखिरी तमहीद का जुमला असातिजा मौजूद है यहां पर, करबला जो लोग जियारत को जाते हैं, जो लोग जा चुके हैं अल्लाह उनकी जियारत कबूल करे, जो नहीं गए हैं अल्लाह कम से कम एक मरतबा उसे मौका दे। अजीजम फरमान सल्लमहू जाहिर करबला थे, करबला जाने की तड़प हमारे दिल में भी है, आपके दिल में भी है, हर मोमिन के दिल में। और इधर जायरीन की बस खुली नहीं, फ्लाइट लखनऊ से है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मैं अभी मजलिस की तमहीद पढ़ रहा हूं, अरबीदा उलमा मौजूद हैं, लब्बैक किसी के बुलाए का जवाब है। मुझे किसी ने बुलाया नहीं और मैं कह रहा हूं आ रहा हूं, तो पलट के लोग कहेंगे मुल साहब किसने बुलाया कि आ रहे हैं, तो कोई तो एक हो कहने नहीं, मैंने बुलाया है। लब्बैक दो ही जात के लिए इस्तेमाल होता है, या एहराम पहनने के बाद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, या फिर इस्तेमाल होता है हुसैन के लिए। हमारे 14 मासूम हमारे सर का ताज, मगर अपनी डेहरी पर मेहमान बुलाया है दो ही ने, या अल्लाह ने हज का बुलावा भेज के बुलाया है, या हुसैन ने हल मिन नासरीन का बुलावा भेज के बुलाया है। मेरे भाई तवज्जो चाह रहा हूं, वरना आप तो समझ लें, क्या इमाम हुसैन को नहीं मालूम था कि अब जो सदाए हल मिन नासरीन बुलंद कर रहा हूं कोई आएगा नहीं, तो फिर पुकारा क्यों? बड़े भाई हमारे हमसे सवाल करते हैं, रिटर्न सवाल है, वैसे ही पढ़ रहा कि इमाम हुसैन को तो आप कहते हैं इल्मे गायब था, तो चलिए दफन असगर से पहले तक तो हलमिन की सदा समझ में आती है, ये शहजादे असगर को जब दफन कर लिया तो इमाम हुसैन को इल्म नहीं था कि अब कोई आएगा नहीं। तो क्या जब इब्राहिम से हज की दावत अल्लाह ने दिलवाई थी तो एक परिंदा भी तो नहीं था जब आदम पुकार रहे थे इब्राहिम? तारीख के तालिब इल्म मौजूद है, तारीख के दा मौजूद है, इब्राहिम ने जब दावत हज का हुक्म अल्लाह ने दिया तो थोड़ा सा हेसिटेशन किया, यानी थोड़ा रुके कि बुलाएं किसको, आवाज कुदरत आई, ए मेरे बंदे इब्राहिम जितना आपको हुक्म दिया गया है बस वो बजा लाइए, दावत हज दीजिए, नस्लों तक आवाज हम पहुंचाएंगे, सुलबों तक आवाज हम पहुंचाएंगे। अल्लाह का एक खास बंदा सन 61 में खड़ा होके हलमिन नासरिन यंसुरना की सदा बुलंद कर रहा है, अल्लाह ने इशारा किया ए मेरे बंदे बुला ले, नस्लों तक आवाज मैं पहुंचाऊंगा, सुलबों तक आवाज मैं पहुंचाऊंगा। और जिन जिन रूहों ने लब्बैक या हुसैन कहा था वो करबला की जियारत किए बगैर मर नहीं सकते। सुनिए जरा सा, वो बात को सस्पेंस क्रिएट नहीं कर रहा हूं, मगर यहां से मजलिस है तो अल्लाह ने बुलाया, हुसैन ने बुलाया, हुसैन के यहां जाते हैं लब्बैक या हुसैन, लेकिन बुलाने वाले की जिम्मेदारी भी तो है कि जो बुलाए तो कुछ ठहरने का कुछ मशगला हो, कुछ काम हो कि किस मकसद से बुलाया है, मकसद हो, और फिर थोड़ा सा खाने पीने का इंतज़ाम हो, थोड़ा सा बात गुफ्तगु, ठहरे तो कहाँ ठहरे, सरकार के प्लेटफार्म पर अगर कोई बुला ले तो ये किस बात की मेहमानी है? सुबह कयामत तक मोमिनीन को बुलाना हुसैन का मकसद था, तो इंतजाम में जव्वार के पेशे नजर हुसैन ने भरे घर के होते हुए अली अकबर के नाम जमीन खरीदी। अब यहां से सुनिए सलवात पढ़ के मोहम्मद और आले मोहम्मद। जरा मसाइब में बहुत सुने हैं आपने, थोड़ा आप मेरी ख्वाहिश पर शहजादे अली अकबर के हवाले से जुमले सुनिए। सुबह कयामत तक इंतजाम जव्वार के सबब हुसैन ने अली अकबर के नाम जमीन खरीदी।
बैनामा बना अली अकबर के नाम, और फिर उसी कबीला बनी असद को नेक्स्ट तहरीर कर दिया हेबा, है ना, और कि 3 दिन मेहमान रखना, ये तुम जाओ, इससे जो फायदे हो सकते हैं, जो इतराफ में जंगल है, लकड़ी है, खजूर के पेड़ हैं, जो भी हो उससे तुम फायदा उठाओ, और बस इतना काम करना कि हमारे आने वाले मेहमान का इंतजाम करना कि कम से कम 3 दिन, ठीक, बात तय हो गई, आई गई, बात खत्म हो गई। 8 दिन तक इमाम हुसैन भी मौजूद रहे, अली अकबर भी मौजूद रहे, पूरा भरा घर हुसैन का मौजूद रहा, और 10वीं मुहर्रम सन 61 को, अब यहां से जो गुजारिश की थी मैंने इब्तिदा में, नौजवान भाई हिकमत समझे, बड़ा बेटा मौजूद है और वो बड़ा बेटा डिजर्व करता है, किस मानों में, इमाम भी है, मासूम भी है, 35 साल तक जिंदा रहने वाला भी है, साहिबे औलाद भी है, तो आदमी मकान और जायदाद इसीलिए लेता है कि जब तक हम हैं रहे, बाद में हमारी नस्लों में जाए। अली अकबर 18 साल के हैं, 8 दिन जिंदा रहने वाले हैं, ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी करबला की जो आज पूरे इराक को खाना खिला दे, इतनी पावरफुल प्रॉपर्टी, हुसैन ऐसे के नाम लेके गए जिसकी नस्ल 8 दिन के अंदर रुक गई, वो खाक और खून में मिल गया, शहीद हो गया, बात खत्म हो गई, नहीं सिलसिला आगे तक लाऊंगा, इसलिए कि अब यहां तक जरा सा बैकग्राउंड हम नहीं समझेंगे तो ये बात समझ में नहीं आएगी। अब 2 बातें आप याद रखिए, अली अकबर के नाम जमीन क्यों खरीदी, और एक ये कि अली अकबर को तस्वीर की सूरत लेके गए, वरना आप पढ़े लिखे हजरात हैं, आप दिल पर सोचिए कि इमाम हुसैन का रेगुलर एक मुअज्जिन था जो हर नमाज में अजान कहता था, हज्जाज बिन मसरूक उनका नाम था, वो एकाएक सुबह आशूर हुसैन ने कहा भैया अब्बास हज्जाज बिन मसरूक को रोको, वो आ गया, मौला क्या हुक्म है, कहा तुम अजान ना देना, अब्बास अली अकबर से कहो अजान कहे, मौला फाइनल अजान है, अब इसके बाद आप कोई नमाज सुबह की अजान दिलवा ना पाइएगा, तो जो रोजाना दे रहा था उसको रोका क्यों, कहा हम तस्वीर के साथ इन अशकिया पर मोहम्मद की आवाज भी वाजे करना चाहते हैं, है ना, और उसके बाद असर हुआ भी, हलचल मच गया कि जिन लोगों ने मोहम्मद मुस्तफा के लहजे की घनगड़ज सुन रखी थी उन तक बात मुंतकी थी, उन्होंने कहा ये तो रसूल की आवाज है, यानी हर तरह से इत्मीनान दिला दिया हुसैन ने कि तुम्हारी शरारत किसी धोखे का हिस्सा नहीं है, बल्कि सुबह कयामत तक इस्लाम को मिटा देने की ख्वाहिश जो बनी उमैया की थी उस सियासत का हिस्सेदार बन के आए हो। कोई अगर कह दे हमको मालूम नहीं था, हम समझ नहीं पा रहे थे, कुछ नहीं, सबको मालूम था, और यही हमारे हजरत मुख्तार इब्ने अबी उबैद सकफी एक शख्स के लिए गवाही गुजर गई, 8 गवाही कि ये करबला में गया तो था, साइलेंट था, नहीं इसने जबान से कुछ कहा, सलावात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद, सुनेगा भाई, ये हमारे आजादारों के लिए एक जिंदगी देने वाला जुमला है। एक शख्स था करबला में गया था यजीद की तरफ से, मगर उसने न एक पत्थर चलाया, न एक नेजा, न एक लाठी, न एक डंडा, न जबान, कुछ नहीं, गया था, 8 गवाही गुजर गई कि करबला में इसने कुछ किया ही नहीं, गया था हुसैन के मुखालिफ। तो जनाब मुख्तार ने बड़ा नरमी का बर्ताव किया और कहा कि अब ये रस्सी और जंजीरें वगैरह जो बांध के लाए सब खोल दो, खोल दिया, तो अब लोग समझे कि निकल गया। अब मुख्तार ने कहा सब खोल दिया, कहा बड़े आजादी से एक तलवार में इसकी गर्दन उड़ा दो कि ज्यादा इसको अजियत ना हो। तो किसी ने कहा अमीर जब कोई गवाही नहीं मिली और हर तरह से क्लीन चीट था तो आपने बिल्कुल हाथ पांव खोलवा के और इसकी गर्दन क्यों मरवा दी, कहा इसलिए कि इसकी वजह से
हमारे मौला हुसैन के दुश्मनों की तादाद में इजाफा हुआ। फिक्र देखिए आप। तो करबला में कोई ये नहीं कह सकता कि हम धोखा खा गए ना। अली अकबर से अजान कहलवाई, अली अकबर की सूरत जमाने को दिखा दी, तहरीक इस्लाम की तहरीक मोहम्मद मुस्तफा का तस्वीर मोहम्मद मुस्तफा की हुसैन लेके गए। अब यहां तक रोकी आप बात। ये सुबह कयामत तक इंतजाम मेजबानी पर हुसैन की नजर है, लिहाजा हुसैन ने बड़ी हिकमत से अली अकबर के नाम जमीन का बैनामा बना लिया। किसी की समझ में नहीं आया, बैनामा बना भी और फिर बनी असद को सुपुर्द कर दिया गया। किसी की समझ में नहीं आया कि यह क्या हुआ नहीं हुआ। यह राज खुला सन 67 हिजरी 67 हिजरी में, जब करबलाए मुअल्ला के रोजे की पहली संग बुनियाद पड़ी। अब इसके लिए जरा हजरत अली अकबर के फैमिली बैकग्राउंड तक मुझे आपको लाना पड़ेगा और उसमें तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेगा। इजाजत है? अब फैमिली बैकग्राउंड में आप हजरत अली अकबर के दादियाल से बिल्कुल वाकिफ हैं, सब वाकिफ हैं, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड में नानिहाल भी आता है। और कोई आदमी अगर ये समझ रहे हैं कि नानिहाल से हमारा क्या लेना देना है तो ये न समझिएगा, इसलिए कि नस्ल पर औरतों के भी असरात पड़ते हैं और ये 100% ट्रू है, सही सही पढ़ रहा हूं। इसलिए कि अगर मर्द के किरदार पर औरत के असरात न पड़ते होते तो जिस बेटे का बाप अली जैसा हो वो कभी ना कहता कि बहादुर घराना बताओ जहां शादी करूं जिससे बहादुर औलाद पैदा हो। कीमती बात है जो आपके हवाले। अब आइए जरा सा फैमिली बैकग्राउंड अली अकबर का सिलसिला कहां से कहां मिलता है। अल्लाह ताला का भी नेटवर्क ऐसा जबरदस्त है कि समझ से बाहर है। तारीख इस्लाम में मक्के की गलियों से गुजरते हुए बद्र, ओहद, खंदक और फतेह मक्का तक एक जात है जिसने हर मोड़ पर हुजूर को अजियत दी, जो इत्तफाक से वो अब हजरत कहलाते हैं। तो बगैर हजरत के वो अबू सुफियान है, सरदारे बनी उमैया कबीले का। उसने हर मोड़ पर, हालांकि आलिम अहले सुन्नत ने फतवा दिया है कि 5 आदमी के साथ रजी अल्लाह लिखना जायज नहीं है, मगर ये कि बारह लोग लिखते हैं तो जो लिखते हैं हमको उनसे क्या मतलब। उनकी तो ख्वाहिश यहां तक बढ़ गई कि वो यजीद को भी रजी अल्लाह लिखने लगे, हालांकि भूल गए कि यजीद को जब रजी अल्लाह कहेंगे तो उससे बड़े के पीछे वाले बड़े बड़े रजी अल्लाह ये मशकूक हो जाएंगे, ये कोई स्टेटस ही नहीं रहेगा ना रजी अल्लाह का। फिर जब ऐसा गलीज भी रजी अल्लाह हो सकता है तो वो लोग तो बहरहाल बड़ी दाढ़ी वाले थे और ठीक ठाक मुकद्दस थे। अबू सुफियान की एक बेटी थी उम्मे हबीबा जो इस्लाम ले आई थी, और उनके शौहर भी इस्लाम ले आए थे, अब्दुल्ला इब्ने जहश उम्मे हबीबा के शौहर हैं। वो रसूल की खिदमत में आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप जो ईमान लाने वाले तमाम मुसलमानों को जदोकोप करता है, अजियत देता है, वो अजियत मुझे और मेरे शौहर को भी दे रहा है। अब्दुल्ला इब्ने जहश भी आए थे साथ। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, वाकई अब हम लोग का तो जीना अजाब है, ये वो पत्थर से और उससे मारता है बेटी को भी, यानी इतना सीनियर काफिर आपने ना देखा होगा जो दस्तारे कुफ्र पहनने के बाद अपनी बेटी को भी मारे, तो हम लोगों का कुछ कीजिए। तो रसूलल्लाह ने कहा कि बेहतर यह है कि हमारे चचाजाद भाई की सरकर्दगी में एक काफिला हिजरत कर रहा है हबशा,
अगर तुम दोनों जाना चाहो तो मैं उनसे कह दूँ, तुम्हें साथ ले लें। वो दोनों तैयार होगा कि नहीं, कि इस मर्दूद या जो भी कहा होगा इससे छुटकारा के लिए हम चले जाए, ठीक, इसके जुल्म से बचने के लिए। वो मर्दूद लफ्ज हमारा निकल गया, उन्होंने मर्दूद कहा नहीं था, इससे छुटकारा के लिए हम नहीं, इसलिए कि कट एंड पेस्ट का जमाना है ना, तो जब कैमरा चलता है तो जरा डर के पढ़ा जाता है। अभी सरकार, आपकी मौजूदगी में जुमला पढ़ रहा हूं, 2016 में मैंने बैरून मुल्क एक नुक्ता पढ़ा। अब नुक्ता पढ़ते पढ़ते खिताबत में जोश में मैं पढ़ गया कि मौला के आजादारों, नमाजियों की तरह आजादार न बनना, आजादारों की तरह नमाजी बन जाओ। तो जहां 200 आदमी ने दाद दिया, वहां 3-4 तो जले भुने तो सबके होते हैं, होते हैं, हर जगह होते हैं। अब वो 2-4-5 जो जले भुने थे, उन्होंने दूसरे दिन से उड़ाना शुरू किया कि ये देखिए इन्होंने नमाज की तौहीन कर दी। अब वो मेरे पास सदर साहब आ गए, उन्होंने कहा सदियावर साहब वजाहत कीजिएगा, मैं सच बोलिए, सच पढ़ रहा हूं। मैंने मिंबर पर हाथ रखते ही बाबुल हवाइज अपने 7वें इमाम से रुजू किया और मिंबर पर बैठा, तो जैसे बोल हम रहे थे जुमला कहीं से आ रहा था। अब यकीन जानिए, मैंने कहा मैं जुमला वापिस नहीं लेता हूं, मैं सही बोल रहा हूं कि नमाजियों की तरह आजादार न बनिए बल्कि आजादारों की तरह नमाजी बनिए, इसलिए कि हमारी नमाजें खुशो और खोजों में उतना प्योर अभी नहीं हुई हैं जितनी प्योर मजलिसे हुसैन है। ये बात अगर तल्ख हकीकत भी है तो सुन लीजिए, 2 रकत नमाज के लिए खड़े हुए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अरे मोटरसाइकिल के डिग्गी में थैला है कि नहीं, इसलिए कि घर में फूल गोभी और मटर की छीमी लाने को कहा है। अरे अरे अब याद आया कि वो कीमा लाने को भी कहा गया था, तो अब मित्तुपुर कौन आदमी की जाएगा, तो उसको पैसा देना, तो जरा रोजा कासिम पर चलो, वो चौराहा है, वहां हर तरह से लोग आ जाएंगे। गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालीन, कीमा से पलवल तक खरीदा गया, सूरा तमाम। अच्छा ये सब आपके लिए नहीं है, ये हम जैसे लोगों के लिए, आप लोग तो माशाल्लाह है ना, लेकिन धीरे से सुन लीजिए, अगर आप भी इसमें शामिल ना होते तो शरीयत इस्लाम में शकीकात नमाज का चैप्टर ना होता, सब इसमें फंसते हैं। और कमोबेश धीरे से पढ़ दूं कि आप भी फंसे हैं, है ना, भूले भूले बात याद आ जाते हैं। हमारे बहुत बड़े मर्जा का वाकया है, उन्होंने 1 बजे रात में मस्जिद कूफा में नमाज पढ़ने की नियत की, एकदम बिल्कुल कोई नहीं है, गुलाम से कहा तुम दरवाजे पर खड़ो, हम आज 2 रकअत नमाज ऐसी पढ़ेंगे जिसमें अल्लाह छोड़ के कुछ याद ना आने देंगे। अभी नमाज की पहली रिकत का आखिरी सूरा पढ़ ही रहे थे कि एक ख्याल आ गया कि पूरे मस्जिद में तो गुंबद होती है, मस्जिद कूफा में गुंबद क्यों नहीं है। तो जब ऐसे ऐसे लोग नहीं बचे तो 3 रोटी सुबह और 3 रोटी शाम खाने वाले हम, बस एक प्योर इबादत रह गई है मजलिस। आप सबको आपके इमाम जमाना की कसम देके बोल रहा हूं, आधा घंटा से आप मजलिस सुन रहे हैं, कसम मैंने दी है, सच बताइएगा, आपको घर याद आया, औलाद याद आए, याद आई, मकान याद आया, दुकान याद आई, कोई खराना याद आया, सच बोलिए, नहीं आया ना। ऐसी प्योर इबादत कि जो पूरी दुनिया से अलग करके हुसैन से मिला दो, वह ऐसे ही हुसैन वाली इबादत करो नमाज। जज़ाकअल्लाह। है ना भाई, देखिए ये मजलिस, इसमें
कंप्लीट प्योरिटी है, इम्प्योरिटी का सवाल नहीं है, इसमें मिलावट नहीं है। और एकदम ऐसा तारीख का धारा मुड़ जाता है कि हम सब भूल जाते हैं। ऐसे ऐसे ख्याल इबादत पे आते हैं। तो मेरा तो इसलिए मैंने संभल के कहा वहां पर कि अब्दुल्ला इब्ने जहाश ने मरदूद नहीं कहा था, इसलिए कट एंड पेस्ट का जुमला था। उसकी समझाने में ये 3-4 मिनट लग गया। उन्होंने कहा हाँ हम चले जाएंगे, चलेगा दोनों मियां बीवी चले। अब एक बात किताब की नहीं है, तजुर्बाकार लोग बैठे हैं। अगर बड़ी बहन की शादी हाई क्लास घर में हो जाए तो छोटी बहन मुंह से बोले न बोले मगर दिल में क्या ख्याल रखती है कि या उससे अच्छा घराना मिले या कम से कम उसके बराबर का मिले, है ना? सही बात है ना? अब आइए सुनिए, ये उम्मे हबीबा और अब्दुल्ला इब्ने जहाज जनाबे जाफर तैयार के साथ इथोपिया आ गए हबशा। वहां आने के बाद चंद दिन के बाद अब्दुल्ला इब्ने जहाज मुर्तद हो गया। मुर्तद तो समझ गए आगे वाले सब, पीछे वाले समझे? अच्छा नहीं, आसान मुर्तद का तर्जुमा कर दूं, अब्दुल्ला इब्ने जहाश वसीम रिजवी बन गया। अब मुर्तद का इससे अच्छा ट्रांसलेशन हमारे पास नहीं था, है ना भाई? सब समझ गए। और उसके बाद मर भी गया। उन्होंने खत लिखा जाफर ने रसूलुल्लाह को, या रसूलुल्लाह मैं क्या करूं, वो मुर्तद भी हो गया था, वो मर भी गया, तो उम्मे हबीबा तो बेसहारा हो गई। तो रसूल ने रिप्लाई किया कि अगर वो तैयार हैं तो हम आकद उनसे कर दो और महर अदा कर दो तुम। जवाब खत आया जाफर ने उसी खत से उम्मे हबीबा से पूछा, उम्मे हबीबा तैयार हो गई कि इससे बड़ा शर्फ क्या है कि कयामत के दिन अजवाज मुस्तफ़ा में उठाई जाएं। ठीक है, जनाब जाफर ने और नजाशी ने मिल के अक्द पढ़ दिया और वो अक्द में शामिल हो गई। अब यह चर्चा फैल गया दुनिया में कि अबू सुफियान की बेटी अबू तालिब की बहू बन गई, अबू सुफियान की बेटी रसूलल्लाह की जौजा बन गई। लोग कहते हैं कि शिया हजरात अजवाज मुतहरात की इज्जत नहीं करते, वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं वो। अगर हम लोग अजवाज से जलते होते तो सबसे ज्यादा उम्मे हबीबा से जलते, इसलिए कि अबू सुफियान की बेटी, माविया की बहन, यजीद की फूफी, तो जितने ड्रो बैक होने चाहिए वो सब थे। लेकिन एक शिया आप लाइए पकड़ के जो उम्मे हबीबा की इज्जत ना करता हो। जानते हैं क्यों इज्जत करते हैं शिया भाई? आय हाय, जुमला मेरी तरफ देख के सुनिए। इसलिए कि एक मौके पर अबू सुफियान भुनाने आ गया घर में कि हम पैरवी लगा के रसूल तक पहुंच गए। जनाबे उम्मे हबीबा भी मारफत वाली बीवी थी, उन्होंने अपने बाप को कहा ठहरिए ठहरिए ठहरिए, हटिए हटिए हटिए, कहाँ खड़े हो गए, ये आना बैठिए। वो चटाई थी उसको लिया, मोड़ के खड़ा किया, कहा आप बैठिए। कहा ये क्या हुआ? कहा आजा फराशुन मोहम्मद वानता काफरुन वन नजिसुन, ये बिस्तर मुस्तफा है, तुम काफिर हो नजिस हो। शिया उसी दिन से इज्जत करने लगे कि जो मकाम मुस्तफा पर बाप को भी न बैठने दे। सलावत बर मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। आइए मेरे सरकार, रोके यहां, हजरत अली अकबर का बैकग्राउंड पढ़ रहा हूं, बात फैल गई। अब अबू सुफियान की एक दूसरी बेटी है जिनका नाम है ममूना। अब बड़ी बहन कहां चली गई? बनी हाशिम में। उस वक्त 13 कबाइल थे। अब जाहिर सी बात है कि वीआईपी कबीला बनी हाशिम का था। और मैं थोड़ी बहुत तारीख पर हमारी नजर है, आप हमारी बात मान लीजिए, सबसे बदनाम लुटेरा गुंडा कबीला बनी उमैया का था। बिल्कुल तारीखी रिकॉर्ड है, आप जैसे चाहें मैं हवाले आपको दे सकता हूं। और भी चंद कबीले थे, उनमें फिर नामवर कबीला कबीला नखई था, उसमें नामवर कबीला कबीला बनी सकीफ था, और सब भी कबीले थे, छोटे बड़े सब मिला।
अब ये ममूना, इन्होंने जब सुना कि मेरी बड़ी बहन रसूल की जौजा हो गई है, तो किताब में तो मैंने नहीं पढ़ा, दिल दिल में इन्होंने दुआ जरूर किया, परवरदिगारा बड़ी बहन का किस्मत इतना आला बना दिया कि जंजाल से निकाल के ये आला खानदान दे दिया। तो बेटी मुंह से तो नहीं बोलती मगर दिल दिल में दुआ जरूर करती है। अब ऐसे दुआ की कि अल्लाह ने दुआ सुन ली। एक नामवर कबीला अरब में और था, कबीला बनी सकीफ, जो हुस्नो जमाल में अपना मुकाम रखता था। वहां के एक मुमताज सरदार रिश्ते में हजरत मुख्तार के चचा जनाब अबू मुर्रा, उन्होंने रिश्ता भेज दिया ममूना से। ममूना कबीले बनी सकीफ की बहू बन के आ गई, अबू मुर्रा से अब्द हो गया। अब जब ये बीबी यहां आई तो देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर मायके में बाप गुंडा हो, भाई लुटेरा हो, भतीजा डाकू हो, तो एक बात मैं साइकोलॉजी का, आप घर जाइएगा औरतों से पूछ लीजिएगा, मैं सही पढ़ रहा हूं, जानते हैं कभी औरत नहीं चाहती कि ससुराल में भाई भतीजे का जिक्र निकले। अगर आ भी जाए तो वो जंप करना चाहती है, इसलिए कि ससुराल में उसका ग्राफ गिर जाएगा। तो क्या जनाबे ममूना नहीं जानती थी हमारे अब्बा का क्या ग्रेड है? जलालपुर मुस्तफाबाद में आप जानते हैं, डायरेक्ट बेटी नहीं जानती थी भाई का क्या किरदार है, भतीजे कैसे हैं। अब जब कबीला बनी सकीफ की बहू बन के आई तो यकीनन दुआ किया होगा, परवरदिगारा जिस जंजाल से निकाल के इज्जत का खेमा दिया है, तो अब बस मेरी दुआ यही है कि इज्जत ही देना, जिल्लत से मैं याद ना की जाऊं। अल्लाह ने कहा चल मैंने तेरी दुआ कबूल कर ली। चंद दिनों के बाद अबू मुर्रा और ममूना के घर में ममूना के बतन से एक लड़की पैदा हुई, जिसने पूरे इलाके में शोहरत मचा दी कि अबू मुर्रा के घर चांद का टुकड़ा उतर आया। अरब में हुस्नो जमाल की पैकर लैला कही जाती थी, लिहाजा उनका नाम लैला रख दिया गया। अब बच्ची को गोद में लेके ममूना ने दुआ किया, परवरदिगारा फिर तूने पहली बेटी ही दी है, तो ये मेरे माबूद इस बेटी का मुकद्दर भी कम से कम मां के जैसा बनाना, या हमसे ऊंचा कबीला दे दे या कम से कम बराबर का दे। मायके से याद न की जाऊं, न जाने किस दिल से दुआ किया होगा, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। हैदर कर्रार के फर्जंद इमाम हुसैन का रिश्ता आ गया लैला से, जो अब एहतराम में उम्मे लैला कहलाती है। अब यही नहीं, अल्लाह ने वो दर्जा भी दे दिया। तवज्जो चाह रहा हूं मेरे भाई, चल ममूना मैंने तेरे खुलूस को कबूल कर लिया, मैंने मोहम्मद की दो तस्वीर बनाई थी, एक आमना के जरिए जाहिर किया, एक उम्मे लैला के जरिए जाहिर करूंगा। सन 43 हिजरी में अली अकबर दुनिया में तशरीफ लाए। अब आइए, जमीन अली अकबर के नाम क्यों खरीदी, इसकी वजह सुनिए, दूसरी मजलिस भी होनी है और बस। किसी की समझ में तो उस वक्त आया नहीं कि इमाम हुसैन ने क्या कर दिया, जो बेटा 8 दिन में शहीद हो जाने वाला है उसका नाम रजिस्ट्रेशन पर चढ़ा दिया। लेकिन हुसैन को सदाए हलमिन बरन करनी थी, जव्वार का परमानेंट इंतजाम करना था, तो हुसैन की निगाह सुबह कयामत तक मुअर्रिख के कलम की हर करवट पर थी। मेरे सरकार, सुबह कयामत तक हुसैन जानते थे। लिहाजा अली अकबर का नाम चढ़वा दिया। मामला बना कब, तवज्जो चाह रहा हूं, नतीजा है मजलिस सुनिए, मामला बना कब कि जब 66 हिजरी के आखिर में हजरत मुख्तार इब्ने अबी उबैदा सकफी ने
कूफे पर कब्जा कर लिया, इख्तदार हासिल कर लिया। अब सन 40 के बाद यह पहली शिया हुकूमत थी जो कूफे में कायम। सिपह सालार और राइट हैंड की हैसियत थे मुख्तार के जनाबे इब्राहिम बिन मालिक अश्तर, मालिक अश्तर के बड़े फर्जंद। इन दोनों ने मशवरा किया कि अब ये हालात तो ऐसे हो गए हैं, अब हम अपना मिशन शुरू करेंगे, कातिलाने हुसैन को मारेंगे, मगर मिशन शुरू करने से पहले हम सलाम करने रोजाए हुसैन पे जाएंगे। अभी मैं मसायब नहीं पढ़ रहा हूं, मगर जरा सा आप यहां पर सुन ले। जब मुख्तार पहुंचे हैं वहां तो देखा कब्र धूप में है, ये शनाख्त दुश्वार थी कि इसमें कौन कब्र किसकी है। उधर गंजे शहीदा हैं, उधर हबीब ने मज़ाहिर हैं, इधर मौला हुसैन हैं और उधर मौला अबुल फजील अब्बास हैं। बहरहाल किसी सूरत इतना रोए कि अलामत मिल गई कि हुसैन की ये कब्र है। वहाँ आके जब इफाका हुआ रो के, तो इन दोनों ने मशवरा किया कि हम लोग यहाँ रोज़ा तामीर करेंगे, इसलिए कि जिसका जनाजा धूप में था हम उसकी कब्र को धूप में नहीं रहने देंगे। तो इब्राहिम ने कहा सही बात है, थोड़ा 5 मिनट फजाइल में सुनिए, फिर उसके बाद रब्ते मसायब दूंगा। सामने जो हजरत जियारत को गए हैं और उन्होंने घूमे टहले भी हैं, तो जिधर शेर फिज्जा है उसके बैक में पहाड़ है, ये दोनों वहां गए। कोई औजार नहीं है, कोई लोहे का सलाह नहीं है, पत्थर से पत्थर को घिस घिस के तोड़ा, 4 बड़े बड़े पीलर बनाए। बड़ा आसान है पढ़ देना, पत्थर से पत्थर को तोड़ने में हाथ की क्या पोजीशन होगी। और ये 4 पत्थर उठा के लाए इब्राहिम बिन मालिक अश्तर और मुख्तार इब्ने अबी उबैद सकफी, और उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कब्र के चारों गिर्द। ये पहली तामीर है करबलाए हुसैन के रोजे की, जो आप जाते हैं उसकी तारीख भी जान लीजिए। इधर हलचल मच गया कबीले बनी असद में कि मुख्तार ने करबला की एराजी पर कब्जा कर लिया। अब जाहिर सी बात है मुख्तार अमीर थे, उनको हिम्मत तो थी नहीं, मगर लोगों ने कहा कि जाके मुख्तार माने ना माने, जाके अपना हक तो बता दो कि हमको हेबा है। अच्छा ठीक है। तो उसमें के 2 आदमी आए और उन्होंने कहा अमीर आप कूफे के अमीर हैं, सब चीज़ आपकी मिल्कियत है, मगर ये जो आप तामीर कर रहे हैं इसमें हक हमारा है, इसलिए कि हम इसके निगरान हैं, हमारे नाम हेबा नामा है। तो मुख्तार ने कहा अगर तुम्हारे नाम हेबा नामा है तो तुम दिखाओ, तो पहला काम हम करेंगे कि हम तामीर छोड़ देंगे। देखिए शराफत नफसी इसको कहते हैं, और अगर तुम इजाजत दोगे तो तुम्हारे साथ मिलके हम तामीर करेंगे, और हमारे पास इख्तदार है, पैसे वैसे भी लाएंगे, तुम जाके पहले। वो दौड़ के वहां गए और लेके आए। अब जो लेके आए तो जनाब मुख्तार ने जो तहरीर देखी तो लबों पर मुस्कुराहट आई। उन्होंने कहा कि सुनिए आप यहां सिर्फ देखभाल कीजिएगा, अब आपका काम नहीं है, इमारत हम बनाएंगे, बिल्डिंग हम बनाएंगे, आपका जो काम है वो आप कीजिए, आप हमको रोक नहीं सकते, इसलिए कि इस जमीन के वारिस हम हैं। क्या सुना आपने? उन्होंने कहा आप कैसे जमीन के वारिस हैं? कहा बैनामा में नाम लिखा है शहजादा अली अकबर का, और अली अकबर मेरे कबीले का नवासा है, मैं साहिब इख्तदार हूं, हमारे कब्जे में रहेगा। किसी को मालूम नहीं था कि अली अकबर के नाम हुसैन जमीन क्यों खरीद रहे हैं। सुबह कयामत तक करबला की तामीर में तलवार न चले और रोजा बन जाए, उसकी तहरीर हुसैन दूसरी मुहर्रम को बना के चले गए, अली अकबर के नाम जमीन लिखवा के, सलवात पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। देखिए मजलिसे हर तरह की हमको पढ़ने की आदत है, मगर हमारी नस्लों के वास्ते
एक पैगाम भी होना चाहिए। हुसैन माहिरे नफ्सियात को नहीं कहते, इसलाह कर लीजिए, हुसैन खालिके नफ्सियात को कहते। एक आखिरी झलक मसाए, हजरत अली को शहीद किसने किया, तलवार किसने मारी? आप लोगों में से किसी को नाम याद है बता दीजिए, एक कोई साहब बता दीजिए। अब्दुल रहमान इब्न मर्जी, ठीक, वो भाई आपको बोलना भी था, हम जानते भी थे कि ही बोलिएगा भी आप। हसन को शहीद किसने किया? जोदा बिनते असस या जादा बिनते असस, ठीक, वो भी ना। अब एक शहीद, दो तो हो गए अली और इमाम हसन, अब एक है मजलूमा फातिमा। वहां तक आते आते तो प्रॉब्लम ये है कि ओरिजिनल कातिल जो है वो ओझल है तारीख में, है ना। अली के कातिल का नाम, हसन के कातिल का जो नाम आपने बताया, वो तो जिसने पैसा लेके अमल किया उसका नाम है, ओरिजिनल कातिल का नाम नहीं है। अली के सर पे जरबत मारने का प्रोग्राम किस टेबल पर बना? कोतामा को 2,00,000 दीनार भेजकर इब्ने मुलजिम के पीछे किसने लगाया? अशस किंदी के जरिए वो तलवार इब्ने मुलजिम को किसने सप्लाई कराई? वो खता इज्तिहादी के संदूक में तशरीफ फरमा रहे। ए मेरे भैया, जरा जलालपुर के इलाके में भी जुमले की अगर कदर न होगी तो फिर कहां जाऊंगा? हर जगह हिंदी में इश्तिहार छप रहे हैं, अब हम लोग को जाकरी में एक अलग जबान निकालनी पड़ रही है, उर्दू हिंदी अंग्रेजी वो इलाकाई, इसलिए कि प्रॉब्लम हो रहा है। मगर आपके यहां अल्हम्दुलिल्लाह अभी उर्दू जिंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह जिस हद तक भी जिंदा है। इसलिए कि हम तो पूरी दुनिया घूमते हैं, उसके मुकाबले में बड़ा अल्लाह का करम है। तो अगर जुमले की कदर आप ना फरमाइएगा तो हम लोगों को तो कटोरा लेके किस शहर जाना पड़ेगा। अली का ओरिजिनल कातिल छुपा लिया गया, हसन का असली कातिल छुपा लिया गया, जहर किसने भेजा, यजीद से शादी का वादा किसने किया तारीख में छुपा लिया गया, जहरा का कातिल तारीख में छुपा लिया गया। ठहरिए, चौथे इमाम से लेके 11वें इमाम तक जिन हजरात के पास नक्शे शहादत और विलादत 14 मासूमीन है, जाके घर मिला लीजिएगा। अब चौथे इमाम का कातिल कौन? वलीद इब्ने अब्दुल मलिक, ले लीजिए, ओरिजिनल बादशाह का नाम आ गया। पांचवें इमाम का हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक, यानी काम कोई कर रहा है, जहर दिलवाने वाले का नाम आ रहा है। ये है इमाम हुसैन के सन 61 की हिकमत की कामयाबी कि अब मासूम का कातिल छुपने न पाएगा। इसलिए कि ये ब्रेक लगा है हुसैन से। आज आप गली चोटी कहीं जलालपुर चौराहे पर कहीं जाके पूछे हुसैन का कातिल यजीद, यजीद तो छुपा हुआ बुजदिल की तरह महल में दमिश्क था, मर्दे मैदान तो फातिमा का लाल था, अमल खंजर चलाने का शिमर ने किया, लेकिन पूरी दुनिया आज यजीद को कातिल क्यों मान रही है? इसी हिकमत का नाम है हुसैन, जिसने मासूम के कातिल का गिरेबान पकड़ लिया। इसलिए मेरे सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिकमत और आपकी हिकमत पर गौर करना, शियत खाली हवा में उड़ने का नाम नहीं है। हमको मुहिब्बे अहले बैत नहीं बनना है, हमको शियाने अहले बैत बनना है। बस मेरे सरकार, हमारा वक्त तमाम हुआ और हमारी गुफ्तगू तमाम हुई। मैंने रियायत वही रखी, ज़ियारत करबला, और देखिए मरहूम फरमान रजा, जिनके नाम में अगर करबला लग जाए
तो ये शरफ है। जवानी में मर गए, सारे लोगों ने कहा बड़े अखलाक मंद थे और बड़े रहम दिल थे और बड़े वो मरवत वाले थे। जब से आया हूँ सारे लोगों ने तारीफ ही की है, भाइयों के लिए, उनकी बहनों के लिए, उनके खानवादे के लिए। यही एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि मरने के बाद भी अच्छे अल्फाज से याद किया जाना, वरना। और फिर शुअरा ने पढ़ी दिया, मरे कहां, मरना तो महज तब्दीलिये मकाम है मुहिब्बाने अहले बैत के लिए। मरना तो जगह के बदल जाने का एक अमली अंजाम है, बस जो यहां थे अब वहां चले गए, खत्म हो गई बात। लेकिन सच आपसे कहूं कि करबला में अगर शहीदाने करबला में जवानों का दाग न होता तो हमारे कलेजे में इतनी ताकत नहीं थी कि हम उस गम को बर्दाश्त कर सकते। बस एक जुमला है, एक बहुत बड़े दानिश्वर जो हुसैन को पढ़ रहे थे, पूरी तफसीरात में नहीं जाऊंगा, वक्त नहीं है, वो मजहब के एतबार से हिंदू हैं। जब हुसैन को पढ़ते 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 और जब अब्बास के कटे हुए बाजू तक बात आई तो उन्होंने कहा कि बस बंद कीजिए, अब मुझे नहीं सुनना। शिया लड़के से प्रोफेसर ने कहा अब बंद कीजिए, अब मुझे नहीं सुनना है, इसलिए कि अब जो भी आप वाकया बयान कर रहे हैं ये आदमी का नहीं है, ये कोई खास अल्लाह का बंदा है, अवतार है कोई। उन्होंने कहा क्यों, कहा कि जो अपने भतीजे की मैयत इस अंदाज में उठा के लाया हो कि छोटे छोटे टुकड़े हों, और जो अपने भाई का कटा बाजू लेके आया उसको तो मर जाना चाहिए। तो शिया लड़के ने कहा कि अब जब आपने रोक दिया है तो मैं तो आपको अब कुछ सुना नहीं सकता, मगर एक जुमला सुन लीजिए, इस हुसैन का इम्तिहान यहीं पर खत्म नहीं हुआ, इसने 18 साल के बेटे के कलेजे से बर्छी का फल भी निकाला, जनाजा भी उठाया। प्रोफेसर दोनों हाथ से मेज पर हाथ मार के खड़ा हो गया, कह लगा तब तो उस इंसान का कलेजा फट जाना चाहिए था। देखिए ये, हाँ मेरे सरकार, अल्लाह जिसको भी बेटा देता है हर आदमी के लिए बेटा अजीज है, लेकिन अल्लाह अली अकबर जैसा बेटा, शक्लो सूरत में रसूल, 18 साल उन फवान शबाब यानी अभी भरपूर जवानी कहिए आई, जानते हैं हर जवान बेटे को देखकर मां बस यही सोचती है कि इसके सर पर सेहरा कब देखूं। क्या उम्मे लैला और ज़ैनब ने नहीं सोचा होगा, हमें नहीं मालूम कि हुसैन ने कैसे इजाजत दी। हां अलबत्ता यह है कि इतना जुमला हुसैन ने कहा कि बेटा मैं नहीं रोकूंगा, मगर तुम्हें पाला है तुम्हारी फूफी अम्मा ज़ैनब। अली अकबर खड़े थे, बैठ गए, वाह मुसीबता, एक आवाज निकली। हुसैन ने अली अकबर के सर पर हाथ रखा, बेटा उलझन में पड़ गए, कहा बाबा फूफी अम्मा मरने की इजाजत दे दे। तो हुसैन ने कहा मुश्किल कुशा का पोता एक मुश्किल में इतना जल्दी घबरा गए। उठे अली अकबर, अच्छा बाबा खैमे में आए, फिजा हमारी फूफी अम्मा नजर नहीं आती, कहुजरे में नमाज पढ़ रही, अल्लाह अकबर, औनो मोहम्मद का लाशा आ चुका, कासिम के जनाजे के टुकड़े आ चुके, अब्बास का बाजू आ गया, ज़ैनब नमाज पढ़ रही।
खैमे के दरवाजे पर खड़े हो गए अली अकबर, फूफी अम्मा आपका अकबर खड़ा है, नमाज तमाम हो तो बुला लीजिएगा। थोड़ी देर के बाद आवाज आई, मेरे बच्चे अंदर आ जा। अली अकबर खैमे का पर्दा हटाया, चले गए, खाक पर बैठ गए जैनब के पहलू में अली अकबर। जैनब ने कहा, मेरे बच्चे अच्छा हुआ तू आ गया, जब से औन मोहम्मद का लाशा आया है तू खैमे में नहीं आया था, तुझे देखने को जी चाह रहा था। तो कहा, फूफी अम्मा एक दिल मेरा भी चाह रहा है। बोल मेरे बच्चे क्या दिल चाह रहा है? कहा, याद है कि जब मैं छोटा था और अब मेरा सर आप जानू पर रख के मुझे लेटा लेती थी? कहा, आज जी चाह रहा है वैसे ही लेट जाऊं। जैनब ने दोनों पांव फैलाए, आ मेरे बच्चे। अकबर जैनब के जानू पर सर रख के लेट गए। जैनब ने हाथ की उंगली से बाल में शाना करना शुरू किया। फूफी अम्मा एक उलझन है। बोल मेरे लाल क्या उलझन है? फूफी अम्मा दादी जहरा का लाल नरगह आदा में घिरा है। मैं ये कहने आया हूं कि जल्दी कीजिए, अपने अकबर को हुसैन पर कुर्बान कीजिए। कयामत में दादी के पेशे नजर आप भी सुरखरू हो, मैं भी अपनी दादी को मुंह दिखाने के लायक हूं। जैनब राज दिल समझ गई, हुसैन को बुलाया, अकबर का हाथ हुसैन के हवाले किया। अब जो अली अकबर निकले हैं तो अब तो मुअर्रिख का एक जुमला काफी है, जैसे भरे घर से जनाजा निकल रहा हो। चले, एक मकाम पर जाके हुसैन दौड़ रहे थे साथ साथ अली अकबर के पीछे 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 पीछे। चंद कदम के बाद हुसैन गिर गए। अली अकबर ने आहट महसूस की, जो मुड़ के देखा तो गिरने वाला कोई गैर नहीं था, बूढ़ा बाप हुसैन था। घोड़े को काबा किया, जस्त करके उतर गए, बाबा आप तो रुख्सत कर चुके थे ना? अरे ऐसा नफ्सियाती जुमला कहा जो कयामत तक के लिए है। अली अकबर, काश तू साहिब औलाद। बाबा बाबा आपको दादी का वसीला वास्ता, आप अब जहमत न कीजिए। अच्छा बेटा नहीं जाऊंगा, मगर बेटा इतना तो कर सकते हो कि हमारा तुम्हारा सामना रहे तो जरा मुड़मुड़ के सूरत दिखा देना। आगे बढ़े अली अकबर, मुड़मुड़ के सूरत दिखाते रहे, मगर जब उम्मे लैला का चांद यजीदी बादल में घिर गया तो चारों तरफ से तीर नैजे भाले। एक जालिम ने ऐसा नेजा मारा, अली अकबर के कलेजे में फल उलझ गया। उसने खींचना चाहा मगर फल टूट गया। अकबर ने कलेजा पकड़ा, बाबा दरो दीवार से रोने की आवाज आने लगी। खत्म किया मैंने, हुसैन चले। अल्लाह वो दिन किसी बाप को ना दिखाए जो हुसैन ने देखा। अकबर के सरहाने आए तो क्या देखा? खाक पर 18 साल का बेटा एड़ी रगड़ रहा है, दोनों हाथ से कलेजे पर हाथ है। इसलिए के बाबा नेजा ना देख ले, इसलिए के बाबा अकेला है, अब कोई संभालने वाला। हुसैन बैठ गए, बस एक मिनट में मजलिस तमाम। बेटा मैं आ गया हूं। बाबा आप आ गए? दादा सरहाने जामे कौसर लिए खड़े। कहा, बेटा ये कलेजे पर हाथ क्यों है? अली अकबर ने पशोपेश किया, हाथ को और कुवत से बांध लिया। हुसैन ने ताकत से हाथ हटाया तो ऐसा मंजर था कि मैं कहूं आंख पर पट्टी बांधने वाले इब्राहिम इधर न देखिएगा। जवान बेटा नैजे का फल कलेजे में। हुसैन ने अकबर को देखा,
नेजे को देखा, आसमान को देखा, आस्तीन सब्र पलटी, घुटना जमीन में टेका, नेजे की यानी पूरी ताकत से पकड़ी, या अली कह के जो खेचा, अरे अकबर का कलेजा बाहर आ गया, खून का फव्वारा जारी हुआ, हुसैन लिपट गए, मुंह पर मुंह रख दिया, या बुनैया इला दुनिया बादे खलीफा, ए मेरे लाल तेरे बाद इस दुनिया ए जिंदगानी। وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ ہم سب کی اس جلیل عبادت و قبول فرما، ان آنسوں کو رومال فاطمہ زہرہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار عالم مرحوم فرمان رضا کے تمام پسمندگانوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگارہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہم سب کے ایک ایک گناہوں کو تو حسین کے صدقے میں معاف نہ کر لے۔ پروردگارہ جہاں جہاں مومنین مومنات میں کوئی بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، حالات حاضرہ میں ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ تمام علماء، خطبہ، شعراء اہل بیت، ذاکرین کرام، نوحہ خان، مدہ خان، مرثیہ خان، سوز خان، ماتمدار، ایک ایک عزادار کی حفاظت فرما، تمام مراجع کرام کی حفاظت فرما، خصوصاً آغائے سیستانی کو طول عمر عطا فرما، وارث کربلا یوسف زہرہ حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات سامعین، آپ سے گزارش کی جاتی ہے ایک بار سورہ ہم تین مرتبہ سورہ قل ھو اللہ اول و آخر تین تین بار درود شریف پڑھ کے آپ حضرات پہلے پڑھیں، میں نام لیتا ہوں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔